so this was a friendly that was that जो मेरे को कैप्टन शिवपुर का रोल दिया था इसमें इन फ्रेंडलीज में एंड इंडोनेशिया में खेलने में बड़ा मजा आया था बिकॉज आई थिंक द क्राउड देयर वाज अमेजिंग वी ऑब्वियसली इट्स ऑलवेज फन टू प्ले इन फ्रंट ऑफ यू नो अ क्राउड सपोर्टर्स इनक्रेडिबल सपोर्टर्स और इनक्रेडिबल क्राउड फॉर cheering the Indonesian team. I think even though they were cheering for the opposite team, but hum log ko bhi unke samne khelne mein maza aa raha tha. We were enjoying ourselves. And as a captain, again, this was a special thing for me to lead a team in international friendlies. Jisme we won, I think, 5-0 in the first game. So, very happy with ये मूवमेंट वन बी वन सिचुएशन हुआ था मतलब वो बॉल चला गया तो मैं उसको ये हम दोनों बॉल पे भाग रहे थे तो मैंने ये फाइनली ये टैकल किया वो बॉल आउट हुआ हाँ ये इसका भी बहुत हमारे लिए बहुत बड़ा मेमोरी था क्योंकि हमने साइन नेपाल के साथ एक बार ये थ्रो हुआ था लीग ग्राउंड में तो और फाइनल में हम लोग नेपाल के साथ होने वाले थे तो बहुत सारी चीज क्योंकि हम लोग ने लीग ग्राउंड में नेपाल के साथ थ्रो हुआ था तो मोचे थोड़ा वो हो रहे थे हमारे ऊपर कि ऐसे कैसे थ्रो हो गया और आप लोग क्या सोचते हैं कि फाइनल के लिए क्या प्रिपरेशन करना है और जितना बहुत इम्पोर्टेंट है वो बहुत चीज़ें तो उसके नेपाल को भी ऐसे लग रहा था कि थ्रो हो गया तो ऑब्वियसली उन लोगों को भी थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया कि फाइनल में जीतने के चांसेस है करके पर हम लोगों ने फाइनल में शायद 4-0 जीता था आप कभी बोलते ना जी की तो नहीं मैंने एक गोल मारा था कॉर्नर से पर वो मतलब थोड़ा दी के अंदर में ही स्कोर किया था और गोलकीपर कोशिश किया था डाइव करने के लिए पर नहीं हुआ था और मैं बहुत खुश थी तो बाद में हम लोगों ने वीडियो देखा तो जो मैंने गोल मारा था बहुत स्लो गोल था तो एडी भी मेरे मजाक उड़ा रहे थे कि इतना घटिया गोल मार के तो इतना खुश कैसे हो रहे मैंने बोला कम से कम गोलकीपर डाइव तो कर रहे पर उसने सेव नहीं किया इसलिए मैं खुश थी ऐसे करके बोला था मैंने ये तो हम सबकी आई थिंक जो भी यहाँ पे स्टाफ एंड प्लेयर्स जो भी पार्ट थे स्पिन के स्पेशली सबके लिए आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एंड द मोस्ट फॉन्डेस्ट मेमोरीज आई थिंक हम सबके करियर में रहेगी ये हमेशा के लिए तो सैफ उसमें सैफ चैंपियनशिप में तो किया ही था हमने दैट विन ऑब्वियसली वाज वेरी इंपॉर्टेंट बट दिस वाज आई थिंक probably even more important because we have to reinstate that was not by fluke or that was not by chance hum sirf revenge nahi kar rahe the we wanted to show our dominance ki we are the champion of south asia for a reason and we had to bring back our dominance and prove again not just to ourselves but everyone because I think saf championship jeetne ke baad we had a lot of media attention we had a lot of supporters coming in to support us and for them I think for us to prove them that there is a reason why we are saying that women's football has more potential has needs more investment from all the sectors and we have a brighter future so this was I think an important win for us to prove to ourselves and to our supporters that we've still got it and we aspire for more things than just that इसमें हम लोग ने काफी इम्प्रूव किया था कॉटिफ की टाइम में क्योंकि हम लोग 4 महीना पूरा एक साथ थे और पूरा प्रिपरेशन किया था तो हमारे जो लेवल है गेम का तो बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ था तो उसकी वजह से हम लोग ने कॉटिफ में बहुत अच्छे से खेला था और अच्छा परफॉर्म किया था
उसकी वजह से कॉटेज का जो प्रेसिडेंट है उन्होंने थर्ड प्लेस, वो लोग एक्चुअली थर्ड प्लेस का वो ट्रॉफी रखता नहीं था, तो उन्होंने स्पेशली हमारे इतना इम्प्रूवमेंट देख के वो थर्ड प्लेस, स्पेशली आई थिंक क्योंकि इस वाले कॉटेज में बेटर टीम्स और बेटर ओपोनेंट्स भी थे हमारे अगेंस्ट कंपेयर टू लास्ट ईयर. एंड हम लोगों का परफॉर्मेंस, बिकॉज हम लोग 3 साल से रेगुलरली जा रहे थे कोटिफ, तो उन्होंने हमारा इम्प्रूवमेंट देखा, हमारा प्रोग्रेस देखा. आई थिंक एंड दे वर रियली हैप्पी, एंड दैट वाज दैट इज समथिंग मोर देन द ट्रॉफी. आई थिंक दैट शोज कि हमारा इम्प्रूवमेंट कितना ड्रास्टिक था फॉर विद इन दोज 4 मंथ्स. मेरा ACL सर्जरी के बाद पहला टूर्नामेंट कोटिफ खेला था हमने, एंड द फर्स्ट टूर्नामेंट वॉजेंट एज good as I wanted or expected after the surgery, because I think that was but a huge learning experience for me. So Kotif is a very special tournament for me. Every year when we get a chance to go back, I want to get better and do better every tournament. World Cup. If I think of it and when I see them wearing all this, कि I know हम लोग जरा सा भी थोड़ा जर्सी का कपड़े का मटेरियल भी थोड़ा हैवी होता है, then we feel हम लोग you know we start complaining or expecting कि यार ये कपड़ा बहुत अच्छा नहीं है, it's not dry fit, पसीना इसमें भारी हो जाता है, we can't run. And then when I look at you know these women who are just who you know that all of that doesn't matter as long as they get to play football, that's the main thing and the main objective. That shows the love for this game, the how important the game is and how big the game is, bigger than all these issues that we face, how all these women face, all of us face, and that shows why football is a global sport, why sports brings everyone together, and you know it's incredible to see how a sport can you know जो भी social boundaries or issues whatever they face from the society, how sports can help them come out of that and experience the world, experience other things, go beyond those boundaries. I think that's what I feel, that football or sport is bigger than any other issue, and it can really, and that's, I think that's one of the reasons why we say ki you know sport, क्यों sports को खेलना और sport को encourage करना important है in any country, every, this is the reason, because it can bring, no matter what your background is, what your thought processes are, it will bring you on the same field and you can play together. Shaolin soccer खेलते What do you remember? Championship, right? Yes, yes. Nepal, eh? इसमें हम लोग 3-1 जीता था ना final. Final था ये वाला match, और ये मतलब सब तो बता दे जो अच्छा हम लोग जीत रहे थे 1-0 जीत रहे थे. नहीं 1-0 हम लोग हर रहे थे. नहीं हमने पहले मारा था, हमने हमने कंसीड कर लिया था, भंडारी मैं आ गया थी, उसने हेड मार के गोल हो गया था. उसके बाद ये जो मेरे को आके जो लेक्चर गेम के बीच में ऐसी शक्ल बना के जो देख रही थी कि जो मैंने पता नहीं ऑब्वियसली कौन सा बड़ा एक तो फाइनल है, उससे कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास, वो हर गया तो हर गया, ऐसा होता है. बिलीव था, लेकिन मुझे बिलीव था, मैंने उसको बोला कि नहीं होगा, बोल झूठ मत बोल, मैंने तुझे बोला था. और फिर हम लोग एंड में 3-1 जीते थे, तो मेरा थैंक गॉड भाई बनना था, मेरा मर्डर कर देती है. ऑब्वियसली करना पड़ता था, क्योंकि और इसके पहले फोर नेशन में हम लोग नेपाल के साथ हारी हुई थी, और हम लोग सकल भी नहीं दिखा सकते थे इंडिया में आके, ठीक है. हाँ हाँ, आपको फोर नेशन में बिलीव नहीं था, वो था मुझे. नहीं, इसमें ज्यादा रिवेंज वाला फीलिंग था, इसलिए मुझे ज्यादा बिलीव. पर इसमें हम लोग ने सबने प्रॉमिस किया था कि सुबह हम लोग मीटिंग में, क्योंकि सारे ऑफिशियल और प्लेयर साथ में हाथ मिला के,
कि ये ट्रॉफी हम लोग ऑफिशियल के लिए और इंडिया के लिए और एयरफेयर के लिए हम लोग डेडिकेट करना चाहते हैं। तो वो चीज़ मेरे को बीच में जब ग्रो हुआ था तो मेरे को बहुत ऐसे याद आ रहे थे कि हमने ऑलरेडी प्रॉमिस तो कर दिया पर हम कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, वो चीज़ मेरे को बार बार क्वेश्चन आ रहे थे। तो थोड़ा पर मुझे बिलीव था, आई एम नॉट जस्ट सेइंग दिस, बट मुझे वो था कि बिकॉज दैट एनर्जी, बिकॉज ऑफ दैट फीलिंग जो हमारे पहले था कि हमें मारना ही है, जीतना ही है, मुझे ये था कि कोई बात नहीं, बट वी विल स्कोर। आई हैड दैट बिलीव कि ड्रॉ नहीं होगा या हम हारेंगे नहीं, वी विल फाइंड अ वे टू गेट अ विन। पर मेरा ऐसा नहीं था कि मैं हम लोग हारेंगे, वो चीज़ तो बिल्कुल नहीं था, बट मेरे को एक डर सा था। जब कॉन्सन में हम लोग ने जो हार गया था उसमें भी बहुत छोटी छोटी मिस्टेक में हम लोग गोल हुआ था, तो इसलिए बिलीफ इज एवरीथिंग। ओह ओह आई डोंट नो दिस इज अ पिक्चर दैट आदिति कंप्लीटली हेट्स, इट्स अ पिक्चर ऑफ मी विद AIFF जो हर बर्थडे हर कुछ भी इंटरव्यू कुछ भी हो उसमें यही फोटो आती है। बड़ी आइकॉनिक पिक्चर है इन नेपाल। आई डोंट नो इफ आई मिडल ऑफ द मैच या वार्म अप में जा रही थी। कैन यू गेस व्हिच मैच? नेपाल के अगेंस्ट ही था शायद, बांग्लादेश वाला था, बांग्लादेश वो तो उसमें ऐसा मूड नहीं होता मेरा, हाँ बांग्लादेश वाले का था। एक और आइकॉनिक पिक्चर है, just describe the feeling after winning the match. We were all static after that win, matlab sab log idhar udhar aadhe player idhar bhag gaye aadhe jo celebrate raha, everyone was so happy, sare substitute jaise hi final whistle hua sare substitutes and the staff came running onto the field to celebrate with the entire team. मतलब मैं आई थिंक इस पिक्चर में मैं शायद बेंच पे जाके वो सारे जो सब्सटीट्यूट थे और प्रियंका मैम उन सबके साथ सेलिब्रेट कर रही थी और तब तक मैंने देखा कि ये लोग फ्लैग लेके भाग रहे थे, मैं ढूंढ रही हूँ कहाँ से भाग के कहीं तो ज्वाइन करो, कहीं जब तक मैं पहुंची तब तक खत्म हो गया कर रहा हूँ। बट इसमें डॉली सर डालमा आशा सब लोग फ्लैग लेके भाग रहे हैं। कहाँ से पकड़ लिए थे फ्लैग हम लोगों ने, कहाँ से लिया था? किसी ने तो दिया था, हाँ शायद उन्होंने ऊपर से फेंका है शायद। ये बात